बसमील रिमरू वालेकुम नबीन वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस फिक्स हम सेकंड पार्ट पढ़ने लगे हैं हमने लास्ट लेक्चर में सुफिक्सेस डिस्कस किए थे जो वर्ड के बाद में आते हैं और अब प्रीफिक्स करेंगे कह लेंगे जो डिस्कस जो वर्ड के स्टार्ट में आते हैं

इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडिड टू द बिगनिंग ऑफ अ स्टेम बेस वर्ड कुछ लेटर एक लेटर होता है या दो तीन लेटर्स होते हैं जो हम किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं उनको प्रूफिक्स कहते हैं तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है इन अन ट्रू द प्रिफिक्स इज अन ठीक है यू एंड प्रीफिक्स है ट्रू ट्रू का मतलब होता है ना ठीक अन ट्रू का मतलब होता है जो ठीक ना हो तो अन प्रीफिक्स लगा हुआ है एंड द स्टेम बेस वर्ड इज ट्रू ओकेट आर देट आर फेमिलियर टू यू मे समाइम स्टेम वर्ड स you know, and, and तो बाजूक ऐसे लफ्स जो आप जानते हैं वो आप जिनसे फेमिलियर होते हैं जैसे ये ट्रू की एग्जाम्पल दिए आप इससे फेमिलियर है तो इसमें ट्रू जो है स्टेम वर्ड है और अनप्री फिक्स है ऐसे द इी मीटेबिलिटी ऑफ द डिक्टेटर्स पावर ठीक है आप ये लाइन लिखी हुई है कि हम इलिमिटेबिलिटी डिक्टेटर्स पावर की डिकटे कहते हैं ना अमरीत पसंद यानी कि जो एक होती है डेमोक्रेसी उसका अपोजिट वर्ड है डिक्टेटरशिप डिक्टेटर वो होता है जो अमरीत पसंद आमरीत आप ऐसे कह लें कि वो कहता है बस मैं ही सबसे बड़ा हूँ मेरी सारे बात माने ठीक है उसको डिक्टेटर कहते हैं तो यहाँ ये यह बताया जा रहा है कि डिक्टेटर की जो पावर है वो हम उसका इनलिमिटेबिलिटी इनलिमिटेबिलिटी कहते हैं कि उसकी लाकानूनियत जो है उसकी डिक्टेटर के पार की वो जान के हम शौक हुए हम हैरान हुए वेल well, इसको छोड़े आपने इनलिमिटेबिलिटी पर गौर करना है आई डबल एम जो है यह हमारे पास अगेन ये प्रीफिक्स लगा हुआ है और असल वर्ड है इमिटेबिलिटी ठीक है ये स्टैम वर्ड है और ये प्रीफिक्स लगा हुआ है इससे पहले अब यह भी ये बात बताई इनलिमिटेबिलिटी इज अ वर्ड दट डज नॉट ऑफन अपेयर इन इन प्रिंट ये ऐसा लफ्ज है जो अक्सर हम यूज़ नहीं करते इट मे बी अनफेमिलियर टू यू ज़ाहिर है काफ़ी बच्चों ने इसको पहली बार देखा होगा पहली बार पढ़ा होगा हर यू कैन लोकेट इट्स स्टेम वर्ड लिमिट तो इसका स्टेम वर्ड वो कह रहा है लिमिट है लिमिटेबिलिटी भी नहीं है ए बी आई एल आई टी वाई ये तो सफिक्स लगा हुआ है ना एबिलिटी तो स्टेम वर्ड कह रहा है लिमिट यहाँ से शुरू करके ये स्टेम वर्ड है ठीक है आपने इसको लोकेट करना है अब आप कोई आपको नया लफ्ज़ मिला जिसको आप जानते नहीं हैं उसका मीनिंग आपको आगज़ करने का तरीका बताया जा रहा है आपने स्टेम वर्ड उसमें से ढूंढ लेना है वो लिमिट है विच मेन्स टू डिस्ट्रिक्ट अब लिमिट का तो पता है ना इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज को हैंडल करना महदूद करना है ना इफ़ यू आल्सो यू आल्सो नो द प्रीफिक्स आई एल अगर आप आई एल प्रीफिक्स को भी जानते हैं सॉरी मुझे लगा आई डबल एल प्रीफिक्स है लेकिन आई एल प्रीफिक्स है बाकी एल तो रूट वर्ड के साथ जा रहा है लिमिट के साथ ठीक है तो आई एल प्रीफिक्स कुछ अगर आप जानते हैं एज इन इ लीगल मीन्स तो आई एल का मतलब होता है इ लीगल ये प्रीफिक्स जब भी यूज होता है इसका मतलब होता है गैर कानूनी इ लीगल मीन्स नॉट इसका आई एल का मतलब नॉट हो गया

कि आपने ये वर्ड्स देखने हैं कैसे प्रीफिक्स से कितने ढेर सारे एडिशनल वर्ड्स बने हुए हैं देखें पटेशन नॉन अडापटेशन असल में आपका स्टेम वर्ड है पी टी ए टी आई पटेशन ठीक है नॉन अडाप अच्छा पी ए टी ए टी आपको अपना स्टेम वर्ड नज़र आ रहा है ना आगे पीछे लगा सोफिक्स प्रीफिक्स लगे हुए हैं और उसका मीनिंग चेंज किया हुआ वो आप छोड़ें ऐसे ही इधर भी पी टी ए टी आई पटेशन रीडाप्टेशन देखें आपको अपना स्टैंडवर्ड नजर आ रहा ना ऐसे ही पी टी रिप्रेड TED को देखें नॉन अडाप्टिव री रीअडोप्टिव पी टी आई वी नॉन अडाप्टिव रीअडोप्टिवनेस पटेशियन प्री एडेप प्रीअॉप्टअडाप्टेबल बल well, ये आपको बताया गया कि एक लफ्ज़ से कैसे इतने ढेर सारे लफ्ज़ बन गए हैं मतलब स्टैम वर्ड एक ही है वही यूज़ हो रहा है उसके सुफिक्स लगाए हुए हैं प्री फिक्स लगाए हुए हैं कुछ और एडिशनल वर्ड्स लगा के वो सारे वर्ड फॉर्मेशन की हुई ये सारे वर्ड उससे बनाए हुए हैं ठीक है इसको सिर्फ एक बार आपने जस्ट आपके एक बार बताने के लिए कि आप ये समझें कि एक स्टैम वर्ड से कितने ढेर सारे वर्ड्स बन जाते हैं और आप इवन के उस स्टैम वर्ड को फिर रिकोगनाइज भी नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा उसमें चेंजेस आ जाते हैं वेल प्रीफिक्स मीनिंग और एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आ, सुफिक्स उनकी और उनकी मीनिंग और एग्जाम्पल पढ़ी थी ऐसे प्रीफिक्स देखें अन जहाँ अन लगा हुआ है जैसे ऊपर हमने अन ट्रस्ट पढ़ा तो इसका मतलब होता है नॉट और नो ठीक है अनहैप्पी और ऐसे ही अन Uh, आप कह लें अनप्लग अब इसका मतलब है नॉट और नो जहाँ जो भी अन जिसके भी पहले लगाया उसका ये मतलब होगा नॉन इसका मतलब भी नॉट और नो होता है नॉन लिविंग हो गया ऐसे ही आप कह लें नॉन प्रेजेंस हो गया मतलब ऐसे इसका ये मतलब प्रीफिक्स नॉट और नो भी होगा डिस का भी मतलब है इन का भी मतलब है आई एम का भी मतलब है ये सारे के सारे प्री हैं इनका एक ही मतलब है नॉट और नो ठीक है अब जैसे लीगल का इ लीगल आई एक आई uh, एल इस पर प्रीफिक्स लग गया कि मतलब नॉट लीगल जो लीगल नहीं होता अच्छा ए ए का मतलब कह रहे वो विदाउट होता है ए टिपिकल मीन्स नॉट ए टिपिकल अच्छा इन सब का मतलब नॉट और नो हो गया इन सारे प्रीफिक्स का तो जिसके पहले ए प्रीफिक्स लगा उसका मीनिंग होगा विदाउट के उसके बगैर जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल में बताया गया कि आ टिपिकल आर टिपिकल मीन्स जो टिपिकल नहीं होता नॉट टिपिकल जो टिपिकल नहीं हो ठीक है अब ए का मतलब यहाँ विदाउट है ये आपने बात रखनी है अच्छा बात प्री बिफोर प्री जिस जब भी लगे इसका मतलब हुआ बिफोर जैसे आप कह रहे हैं प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग प्री क्लासेस का मतलब है ना क्लासेस से पहले वाली क्लासेस जो होती हैं अच्छा प्री वार मीन्स बिफोर अ वार प्री यहाँ वॉर की एग्जांपल दी गया कि प्री लग गया प्री वॉर का मतलब है बिफोर अ वॉर पोस्ट जब भी लगेगा इसका मतलब होगा आफ्टर जब प्रीफिक्स किसी लफ्ज़ के पहले में पोस्ट लगाया होगा शुरू में प्रीफिक्स तो उसका मतलब होगा उसके बाद पोस्ट वार वार के बाद ठीक है अब आप कह लें पोस्ट आप कह लें ना पोस्ट कार्ड्स होते हैं आपकी पोस्ट प्री पेड और पोस्ट पेड सिम्स जो होती हैं तो उससे भी आप इसका आ, कंसेप्ट याद रख सकते हैं एंटी एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट के मुखालिफ चीज़ जिससे भी पहले एंटी लगेगा आपको पता होना चाहिए इस प्रीफिक्स का मतलब वो ऑपोजिट एंटी वॉर मतलब अपोजिंग वॉर वाल के ख़िलाफ़ आप कह लें एंटीबायोटिक आप पढ़ते हैं एंटी डेंड्रफ पढ़ते हैं यानी कि जो जो डेंड्रफ के बगैर जो डेंट्रो को ख़त्म करता है अपोजिट होता है ठीक है प्रो फ़ेवरिंग अब प्रो जहाँ भी लगा इसका मतलब होगा कि इस चीज़ की फेवर की जा रही है प्रो वार मीन्स फेवरिंग वार मतलब आप कह लें ये ये कि ये प्रो पोटिकल पोलिटिकल बंदा है ये प्रो प्रो वार बंदा है यानी कि ये प्रो वार इसका कॉन्सेप्ट है इसका वार वाला कॉन्सेप्ट है यानी कि वार को ये पसंद करता है प्रो पोलिटिकल का ये मतलब है कि ये पॉलिटिक्स को पसंद करता है ये उसकी फेवर करता है तो प्रो मीन्स जब भी ये प्रीफिक्स लगा इसका मतलब होगा फेवरिंग इंटर इंटर का मतलब है बिटवीन इंटर इंटरसलेट सॉरी इंटर स्टेट्स मीनस बिटवीन स्टेट्स स्टेट के दरम्यान आप कहते हैं इंटर क्लासिस इंटरकॉम और आप कहते हैं ऐसे इंटर लगा के रे सारे लफ्स यूज़ करते रहना तो इसका मतलब होगा बिटवीन ये प्रीफिक्स जहाँ भी आया आपने समझना इसका मतलब बिटवीन है ठीक है तो प्रीफिक्स फिक्स से काफ़ी ज्यादा आसान है इनके मीनिंग भी आसान है समझ रहे हैं ना बात इनमें से मोस्टली तो आप पहले जानते हैं जैसे प्री हो गया पोस्ट हो गया एंटी हो गया इनको तो पहले ही आप फैमिलियर हैं ओके हाइपर अब हाइपर जहाँ भी आएगा इसका मतलब होगा एक्सप्रेसिव कि किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है जाहिर कर रहा है हाइपर एक्टिव मेन एक्सप्रेसिवली एक्टिव हाइपर आइटी का मतलब होगा बहुत ज़्यादा एक्टिव बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहने वाला ठीक है अब एक्सेसिव सॉरी एक्सप्रेसिव नहीं एक्सेसिव एक्सेसिव पता है ज्यादा को कहते हैं यानी कि हाइपर हाइपर टेंशन यानी कि टेंशन की ज्यादा हाइपर एक्टिव एक्टिकनेस की ज्यादा ज़्यादा एक्टिव हो रहा है ना तो हाइपर जहाँ भी आएगा आपको इसका पता चल जाए इसका मतलब पता चल जाना चाहिए वो है ज़्यादा एक्सेसिव ठीक है माल इसका मतलब होता है बैड बुरा माल न्यूट्रिशन इन इज बैड न्यूट्रिशन ठीक है यानी कि बुरी न्यूट्रिशन बुरी जो गज़ाइत है वो उसको कहते हैं माल न्यूट्रेशन तो माल का मतलब बैड याद रखना है आपने मिस इसका मतलब होगा इनकोरेक्ट मिसलेड मिस अंडरस्टैंड आप कहते हैं ना कि गलत तरीके से अंडरस्टैंड किया मिस अंडरस्टैंड तो मिस का मतलब होगा गलत तरीके से इनकोरेक्ट ओके मिस स्पेल इनकोरेक्टली गलत तरीके से स्पेल करना जिसको कहते हैं मिस स्पेल ओके पी एस ई यू डी ओ सीडो फॉल्स इसका मतलब होगा फॉल्स सीडो साइंस इज फॉल्स साइंस ठीक है पर सीडो ने इसको पढ़ना है इसको सीडो प्रोनाउंस करना है ठीक है तो ये सीडो जिस वर्ड के शुरू में लगेगा एज अ प्रीफिक्स उसका मतलब होगा गलत फॉल्स ठीक है सीडो साइंस मतलब गलत साइंस सेमी सेमी का आपको पता है मतलब पार्शली यानी कि कुछ थोड़ा बहुत आप कहते हैं ना सेमी सर्कुलर मतलब थोड़ा थोड़ा सर्कुलर सेमी गवर्नमेंट मतलब थोड़ी गवर्नमेंट थोड़ी पार्शली मतलब थोड़ी आधी तो सेमी पब्लिक मीन्स पार्शली पब्लिक ठीक है कुछ पब्लिक और कुछ प्राइवेट ठीक है सेमी का मतलब होता है पार्शली डिफाइनिंग वर्ड प्रीफिक्स मेक सेंटेंसिस बाई राइटिंग द बेस्ट स्टेम वर्ड्स एंड एट द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स इन दोल्ड फॉर्म ऑन द लाइन प्रोवाइड अच्छा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में नहीं अपने किए थे कि हमने स्टेम्प ढूंढी थी उनकी प्रीफिकोफिक्स के साथ अब हम प्रीफिक्स के साथ, साथ स्टेप फाइंड करेंगे ये तो बहुत ईजी है आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन चले हेडमिट्स आर ए सोशल पीपल अच्छा हायर मिट जो है ए सोशल आपको पता है ना विदाउट सोशलिज्म मतलब जो सोशल ना हो तो इसमें ए आपका प्रीफिक्स है सोशल जो है आपका बेस वर्ड है ठीक है दे आर सोशल पीपल तो यहाँ आपने सोशल लिखना है द चाइल्ड हाइपर एक्टिविटी इज अलार्मिंग हाइपर आपको पता है प्रीफिक्स अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं तो चाइल्ड इज एक्टिव अब इसमें बेस वर्ड क्या है एक्टिव ओके आउटर स्पेस इज इली तो आई एल आपको पता है प्रीफिक्स है और इसमें जो हमारे पास बेस वर्ड है वो लिमिट है एबल जो लगा हुआ है सुफिक्स लगा हुआ है उसको भी आपने कंसिडर नहीं करना है सिर्फ आपने स्टेम वर्ड निकालना है तो वो लिमिट है देर इज इज लिमिट टू आउटर स्पेस ठीक है इधर आपने लिमिट लिख देना है द कास्टल वॉज इम्पेंटरेबल टू एंशियट आर्मीज एंशियट आर्मीज आपने यहाँ लिखना है पेनीटर सॉरी पेनीट्रेट द कास्टल तो इसमें रूट वर्ड क्या होगा पेनीट्रेड इम आपको पता है प्रीफिक्स लगा हुआ है एबल जो है वो सोफिक्स लगा हुआ है तो पेनीट पेनी पैनी पी ई एन ई टी पेनीट इधर लिखा हुआ है तो असल लफ्ज है पैनीट्रे पैनीट्रेड ठीक है बाकी जो हजफ किया हुआ है इसमें से सुफिक्स लगाने के लिए तो आपने लिखना है एंश आर्मीज कूड पैनीट्रेड द कासल वी टुक एन इंटर कॉन्टर कॉन्टीनेंटल फ्लाइट इंटर आपको पता है प्रीफिक्स लिखा हुआ है वी टुक अ फ्लाइट कॉन्टिनेंटल ठीक है यहाँ आपने कॉन्टिनेंटल लिख देना द फायर डिड इ डैमेज टू द हाउस तो इर आपको पता है प्रीफिक्स लगा हुआ है दे कुड स्पेस द डैमेज टू द हाउस दे कुड रिपेयर द डैमेज टू द हाउस ठीक है एबल सुफिक्स लगा हुआ है इर प्रीफिक्स लगा हुआ है तो असल वर्ड है रिपेयर ठीक है जो रूट वर्ड है आर ई पी ए आर और ई हजफ गया आपने ई लिख देना सॉरी रिपेयर दे कुड रिपेयर द डैमेज टू द हाउस ओके डिड ही मेक माल एडजस्टमेंट टू मैरिज तो माल आपको पता है प्रीफिक्स लगा हुआ है डिड ही एडजस्ट टू मैरिज ठीक है meant लगा असल जो रूट वर्ड है वो एडजस्ट है ए डी जी यू एस टी एडजस्ट ठीक है द स्टोरी इज सीडो बायोग्राफिकल सीडो आपको पता है आपके पास प्रीफिक्स लगा हुआ है इट इज अ बायोग्राफिकल स्टोरी ठीक है बायोग्राफिकल आपने लिख देना बायोग्राफिकल द पेशेंट इज सेमी कॉन्शियस सेमी आपको पता है प्रीफिक्स लगा हुआ है द पेशेंट इज कॉन्शियस रूट वर्ड हमारे पास है यहाँ पे कॉन्शियस और सम थॉट्स आर अनअटर एबल अब अन आपके पास प्रीफिक्स है हमारा जो रूट वर्ड है वो है अटर तो so, आपने यहाँ लिख देना सम थॉट्स थॉट्स वन कैन अटर एबल भी आपके पास सूफिक्स लगा हुआ -E है यू डबल टी ई आर अटर आपका रूट वर्ड है सम थॉट्स कैन बी अटर ओके

और प्रीफिक्स का मतलब आता होगा तो अब वर्ड फॉर्म कैसे हुआ नया लफ्ज़ जो आपको नहीं उसको जानते आपने कभी उसको देखा भी नहीं है प्रिंट फॉर्म में तो आपको वो फॉर्म हुआ है ना प्रीफिक्स को और रूट वर्ड को मिला के मतलब स्टेम वर्ड को तो आप स्टेम वर्ड का भी मीनिंग जानते होंगे प्री का भी मीनिंग जानते होंगे तो आप उसका मीनिंग अखज़ कर लेंगे खुद से यही यहाँ बताया गया यू विल नाउ लुक एट ए नाइनटीन प्रीफिक्स एंड बाई द मोस्ट यूजफुल मीनिंग ऑफ दिस कॉमन इंग्लिश प्रीफिक्स यू विल इंक्रीज योर वकेबुलरी बाई हंड्रेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आपने ऊपर प्री कुछ देखे

टाइम एंड ऑर्डर नंबर ये सारे प्रीफिक्स हैं अन नॉन आई एंड डिस री सेमी मिनी माइक्रो इंटर सुपर ट्रांस एक्स एक्स्ट्रा मिड प्री एंटी फोर पोस्ट मोनो बाई हेक्स ऑक्ट मल्टीपल सॉरी मल्टी ये सारे प्रीफिक्सेस हैं ये प्रीफिक्सेस यूज होते हैं किसी चीज़ का नंबर जब हम बता रहे होते हैं आपको पता है हम किस चीज़ को हम कहते हैं ना बाई बाई मतलब किसी चीज़ को दो को करने के लिए हम बाई का वर्ड यूज़ करते हैं आप कह लें बाई पार्टीज यानी कि दो पार्टीज़ अब मोनो पार्टी का मतलब होता है एक पार्टी ऐसी हैक्स मल्टी यानी कि यह हम नंबरिंग के लिए यूज़ करते हैं ये अब टाइम और ऑर्डर के लिए प्ली का हमको मतलब पहले होता है पोस्ट का बाद होता है एंटी का मतलब होता है कि उसके जो उसके मतलब ऑपोजिट है ऑर्डर उसके खिलाफ है देखें ना ऑर्डर और ये आप लोकेशन के लिए कि इंटर उन दोनों के दरमियान सुपर सबसे अच्छी ट्रांस ऑपोजिट एक्स एक्स्ट्रामिट ठीक है ये लोकेशन के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ये साइज के लिए ये नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ठीक है ये आपने टेबल को एक बार खुद से पढ़ लेना और आपने एडिशनल एग्जाम्पल फाइंड करने के यानी कि खुद से कुछ एग्जाम्पल वो आपको बच्चों ऐसे मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि खुद से आप इंग्लिश का कुछ पढ़ा करें कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे ऐसे आप ये सारे लफ्ज जब जान लेंगे ना आप इनको डिटर्मिन कर लेंगे कि इसमें प्रीफिक्स कौन सा है ऐसोफिक्स कौन सा और ये कैसे कैसे हुए हैं नेगेटिव अब आपको एक एक प्रीफिक्स का बताया गया नेगेटिव और पॉजिटिव हमने जो पढ़े अन इम ये सारे के सारे वो प्रीफिक्स हैं अब इसका यूज़ देखें अन इम नॉट गुड इनफ इसका मतलब होता है ज़्यादा अच्छा नहीं अनमेग्नेटाइज्ड अनपाउस्ड इम्पॉसिबल इ सॉरी अन का तो मतलब नॉट होगा ना यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ ऊपर आई एम का मतलब इम का मतलब होगा नॉट गुड इनफ तो इम्पोसिबल नामुमकिन इ गैर कानूनी आई एल का मतलब नॉन का मतलब नॉट कनेक्टेड विद नॉन प्रोग्रामेबल नॉन एम्पैक्ट तो ये सारे वही प्रीफिक्स हैं ये उनके मीनिंग है आपने खुद से पढ़ लेने हैं और ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं ठीक है पॉजिटिव प्रीफिक्स देखते हैं री ओवर अच्छा री का मतलब होता है दोबारा से करना किसी चीज़ को ओवर का मतलब होता है टू मच बहुत ज़्यादा अब री री ऑर्गनाइज दोबारा से मुनजम करना ऑर्गेनाइज करना ओवर ही ज़्यादा गर्म कर लेना देखिए प्रीफिक्स लग गया और प्रीफिक्स से इसका मीनिंग चेंज हो गया ठीक है प्रीफिक्स अब साइज वाले प्रीफिक्स देखते हैं सेमी इक्वी मैक्सी माइक्रो सेमी का मतलब है हाफ पार्शली आपको पता है इक्वी का मतलब इक्वल है मैक्सी बिग माइक्रो स्मॉल मिनी लिटिल मैक्रो लार्ज और मेगा का मतलब होता है मेगा वाइट बहुत ज्यादा बड़ा ठीक है ये उनके एक्जाम्पल है सेमी कंडक्टर मतलब थोड़ा थोड़ा जो कंडक्टर हो इक्वी डिस्कटेंटेंट का मतलब होता है बराबर का डिस्टेंस और मैसी कंप्यूटर का मतलब होता है बड़ा सा कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर बिल्कुल छोटा सा कंप्यूटर ऐसे ही सारे ठीक है ये प्रीफिक्स या उनके मीनिंग और ये उनके एग्जाम्पल ठीक है ये आप पढ़ लेंगे ना बार बार बस आपको ये रिकग्नाइज़ करना है कि कोई आपको नया वर्ड मिल जाए आप उसमें प्रीफिक्स रिकग्नाइज कर सके तब ये प्रीफिक्स आपने माइंड में रखने हैं ज़्यादा ये आपने करना है सिर्फ आगे लोकेशन वाले प्रीफिक्सेस हैं इंटर का मतलब होता है बिटवीन अमंग ये आपको पता है सुपर आपको बताया मैंने ज़्यादा ओवर ट्रांस का एक्रॉस एक्स आउट एक्स्ट्रा बियॉन्ड यानी कि परे सब अंडर नीचे इंफ्रा बिलो और पेरी अराउंड ठीक है पैरी पेरीफेरल पैरी, यानी कि अराउंड द उसके इर्द गिर्द और इंफ्रा इंफ्रा रेड मतलब सुरख के नीचे सब सब सब, सब, सब कैमा सब कैमा मतलब स्कैमा सॉरी स्कैमा के नीचे अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्स्ट्रा बियड यानी कि जो आपके आ, सोच से भी बड़ा हो बहुत अच्छा हो एक्स्ट्रा ऑर्डनी आप कहते हैं ना ये एक्स्ट्राऑर्डी इंटेलिजेंट है मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ठीक है ज्यादा के लिए यूज़ करते हैं ऐसे ही सारे प्रीफिक्स और अब टाइम के प्रीफिक्स हम देख लेते हैं एंटी प्री बिफोर ये मैंने आपको वैसे ऊपर भी बताए हैं लेकिन चलें इनके मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर भी एंटी को बिफोर कहते हैं एंटीसीडेंट प्री प्राइम फर्स्ट और ये ऐसे ही आफ्टर पोस्ट का मतलब आफ्टर होता है हम ऊपर भी पढ़ गए हैं पोस्ट डेटेड यानी कि डेट के बाद और रिट्रो इसका मतलब होता है बैकवर्ड रिट्रो एक्टिव ओके इज नंबर सेमी मोनो सेमी का मतलब हाफ होता है मोनो वन बाय टू ट्राई थ्री क्वाड फोर ठीक है ये पेंटा हैगजा सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है डेक टेन को कहते हैं मल्टी का मतलब होता है मैनी ढेर सारे ओके okay, ये देखें ना आप ये हेक्साडेसिमल डैसीमल हेग्जा मतलब डेसीमल का मतलब होता है जो छः वो हो सिक्स डेसीमल वाला ओके okay. ऐसे ही ऑक्टल आठ वाला अब डेक डेसीमल यानी कि डेसीमल का मतलब होता है दस जिसके दस हो ठीक है मल्टी मैनी मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी मल्टीप्लेक्सर यानी कि जिसके ढेर सारे हों मतलब मल्टी का आप नंबरिंग वाले प्रीफिक्स ये बता रहे हैं कि मल्टी का मतलब होता है मैनी मैनी मोर विदाउट मतलब जो काउंट ना किया जा सकता जो काउंट हो उसको तो बाई ट्राई मोनो हैगजा पेंट आप कर देंगे ना तो जो काउंट ना किए उसको आप मल्टी कर देंगे क्योंकि मल्टी कलर जैसे कहते हैं कि कई कलरों वाला ढेर सारे कलर्स वाला नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अदर प्रीफिक्सेस हैं अदर प्रीफिक्सेस में क्या है प्रो ऑटो प्रो का मतलब होता है फोर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और को मतलब टुगेदर नियो न्यू पैन का मतलब होता है ऑल एग्जांपल भी देख लेते हैं इनकी को मतलब टुगेदर कोऑर्डिनेट यानी कि जो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके साथ तान कर रहा है नियो का मतलब न्यू होता है न्यू क्लासिकल ठीक है नया जो आया है नया क्लासिकल पैन ऑल पैन इस्लामिक यानी कि सारा का सारा इस्लामिक सज नंबर टू देखते हैं जी टू फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन ऑल द प्रीफिक्सेस प्रीफिक्सेस को हमने अंडरलाइन करना है और फिर आपने क्या करना है ट्राई टू फाइंड आउट विद द प्रीफिक्स मींस बाय रेफरिंग बुक टू द टेबल यू हैव जस्ट कंप्लीट तो हमने ऊपर जो टेबल कंप्लीट किए हैं उसमें से आपने देखना है कि उसमें से ये कौन सा है नंबर वाला है टाइम वाला या कौन से वाला है रीड कर लेते हैं हम एक्सरसाइज को नॉट इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इन एक्सपेंसिव इंसपेंसिव एंड साइलेंट ये नॉन भी हमारे पास प्रीफिक्स है इन भी हमारे पास प्रीफिक्स है ठीक है और ये कौन सा प्रीफिक्स है इन एक्सपे इन कौन से वाला ऊपर आपने देख लेना टेबल में तो आपने बताना ये कौन सा है टेप मार्क्स आर अनमेग्नेटाइज तो इसमें आपके पास अन प्रीफिक्स है रिफ्लेक्टिव स्टिप्स स्टक आउट द टेप ठीक है ये अन प्रीफिक्स हो गया द ऑक्टल ऑक्टल हमारे पास प्रीफिक्स है कौन सा नंबर वाला प्रीफिक्स है हैग्जा भी प्रीफिक्स है और सिस्टम आर नंबर सिस्टम एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट एंड इन रीडिंग ग्रुप्स आर फॉर बाइनरी डिजिट ठीक है तो बाइनरी में भी ये बी आई आपके पास प्रीफिक्स है ओके द इंटरनल शॉर्टेज लोकेशन ऑफ अ कंप्यूटर कार्ड प्राइमरी मेमोरी आप इसमें आपके पास प्रीफिक्स कौन सा है इसमें एज इट इज तो प्रीफिक्स कोई मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन हम इसको प्राइमरी को प्रीफिक्स कंसीडर करते हैं ठीक है क्योंकि ये मेमोरी से पहले आ रहा है इसको प्रोसीड कर रहा है तो ये प्रीफिक्स है मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें भी मल्टी आपका प्रोफिक्स है ये आपका नंबरिंग वाला प्रीफिक्स है काउंटिंग वाला जो हमने ऊपर पढ़े वन ऑफ द मोर वन प्रोग्राम कैन बी प्रेजेंट एट डिफरेंट स्टेट लोकेशन ऑफ़ द मेमोरी एट द सेम टाइम ठीक हो गया यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग वो प्रोग्राम होता है जो एक जगह एक एक टाइम में डिफरेंट इश, मतलब स्टोरेज मेमोरी की कर सकता है डेफिनेटली तब उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं ना अच्छा पेरी इसमें भी आपका ये पेरी है नंबरिंग वाला प्रीफिक्स है आपको याद होगा अभी हमने ऊपर पढ़ा पेरीफेट डिवाइस कैन भी आइदर इनपुट डिवाइस कार्ड रीडर और आउटपुट डिवाइस सच एज प्रिंटर ठीक है वो कहता तो है पेरीफेट डिवाइट या तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं या आउटपुट डिवाइस होते हैं द डी कोडर इसमें आपका डी प्रोफिक्स है अ कंपोनेट ऑफ द कंट्रोल टास्क द कोड इंस्ट्रक्शन एंड ब्रेक इट डाउन इन टू द इंडिविज इन डिवाइडेबल कमांड नेसेसरी टू कैरी इट आउट माइक्रो कंप्यूटर में भी आपका माइक्रो प्रीफिक्स है बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन स्मॉल एप्लीकेशन आर टेप ड्राइवर ट्रांसमिट द इलेक्ट्रो इसमें आपका इलेक्ट्रो प्रोफिक्स है इम्पल्सरी टू द मेमोरी कंप्यूटर सेमी कंडक्टर में आपका सेमी प्री आपका प्रीफिक्स है ऊपर हमने पढ़ा इसका मतलब होता है हाफ या पार्शल ओके अब एक्सरसाइज नंबर थ्री देखते हैं फिल इन बलैक्स दैक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट यूज द ग्रॉसरी एट द एंड ऑफ द रीडिंग पैकेज ठीक है हमें ग्रॉसरी दी हुई है उसके मुताबिक हमने प्रीफिक्सिस को अपने ब्लैंक्स में फिट करना है तो देखते हैं पहला स्पेस मेगा बाइट मीन्स वन मिलियन बाइट्स मेगाबाइट बाइट में मिलियंस वन मिलियंस बाइट ठीक है अच्छा तो ये ऑलरेडी ये आई थिंक यहाँ स्पेस थी तो उसमें ये ऑलरेडी मेगा फिल हुआ है मेगा का मतलब होता है कि एक मिलियन बाइट्स ठीक है मेगा ये ऑलरेडी फिल हुआ है ये वाला हमारा ये इसमें लिखा है. ये हुआ है मल्टीप्लेक्सिंग ये भी ऑलरेडी हुआ हुआ है आई थिंक ये स्पेस थी तो ये इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी लिखे हुए हैं हमने जो करना था वो हुआ हुआ है मल्टीप्लेक्सिंग इज वन मैनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कम्बाइंड एंड कैरीड ओन वन ऑप्टिकल लिंक ठीक है तो ये मल्टी हुआ हुआ है ब्लॉक ब्लॉक्स आर सेपरेटेड फ्राम वन ईच अदर बाई मार्क्स कार्ड इंटर ब्लॉक गैप्स ठीक है अब है ना कि एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो अलहदा और बीच में जो गैप होता है ब्लॉक्स के में उसको आप इंटर कहते हैं ना एक दूसरे के दरमियान दो चीजों के दरमियान तो लिखा हुआ है नंबर सिस्टम तो टेंथ से आपको पता जाएगा हमने जब काउंटिंग वाले पढ़े हुए थे अपने प्रीफिक्स तो हमने पढ़ा था डेसी का मतलब होता है टेंथ तो ये डेसी मल ऑलरेडी हुआ हुआ ठीक है ये आप हटा दें ये नुकते ही बस हटाने हैं तो ये फुल वर्ड है डेसी मल ठीक है सी आर टी टर्मिनाल आर वेरी यूजफुल इंटरएक्टिव डिवाइस फॉर यूज एयरलाइन रिजर्वेशन तो ये इंटर एक्टिव ऑलरेडी लिखा हुआ है ये सारे आई थिंक ऑलरेडी फिल हुए हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार फिलिंग दी ब्लैंक्स ये ऑलरेडी हुई है लास्ट को देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चिप्स और सेमी कंडक्टर मेमरीज मेड इट पॉसिबल टू डू ड्यू द साइज ऑफ द कंप्यूटर तो ये भी ठीक सेंटेंस है मतलब सेमी लिखना था ये वाला तो ये ऑलरेडी बीच में हमारी ब्लैंक में हमारे पास लिखा हुआ है प्रोवाइडेड है हमें ठीक है लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर लाइन कंप्लीट द टेबल अच्छा प्रीफिक्सिस आपने अंडरलाइन करने तो आपको आई थिंक सो इसको खुद ही पढ़ लेंगे लेकिन चले कंप्यूटर में हैव शॉर्ट हिस्ट्री बट प्रायर टू दियर डेवलपमेंट व मेनी अदर वेज ऑफ डोइंगलकुलेशन दिज कलशन वायर डॉन यूजिंग डिवाइस दट इज स्टिल यूज टू डे दाइड रूल बीग अ परफेक्ट एग्जाम्पल नॉट टू मैं टेन फिंगर्स ऑफ देंड दीज मशीन्सले कंप्यूटर व नॉट इलेक्ट्रॉनिक एंडप्लेस रीप्लेसड re में री आपका हो गया प्रीफिक्स बाई फास्टर कैलकुलेटिंग डिवाइस इट वॉज नॉट अंटिल द मिज मिड हमारा प्रीफिक्स है दैट द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाइज वर्ल्ड द पोस्ट इसमें पोस्ट प्रीफिक्स है पोस्ट इन वॉल इंडस्ट्रियल बूम्स आर द डिवेलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स टेक शेप ठीक है मुझे तो ये तीन चार ही मिले हैं और भी इसमें होंगे आप एक बार इसको खुद से रीड करके हाँ ये प्रायर भी प्रीफिक्स है ठीक है हमने ऊपर पढ़ा प्रायर पोस्ट प्री ये सारे के सारे प्रीफिक्स होते हैं और भी इसमें होंगे यहाँ प्रीफिक्स ठीक है आप ढूंढ लीजिएगा आप खुद इसको पढ़ें एक बार ऊपर आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं तो इसमें से आप निकालें खुद से प्रीफिक्स ठीक है हाँ, अनलाइक प्रीफिक्स है और अनटिल में भी अन प्रीफिक्स है और भी आप इसको पढ़ के प्रीफिक्स खुद से ढूंढेंगे और ठीक है बाई नाइनटीन सिक्सटी कंप्यूटर वार फास्टर देन देयर डिसर तो प्री में भी प्री प्री हमारे पास प्रीफिक्स है और सेमी प्रीफिक्स है सेमी कंडक्टर हैड रिप्लेस में रीप्री प्रीफिक्स है वैक्यूम ट्यूब बाय टाइनी इंटीग्रेटेड सर्कट बोर्ड्स इंटीग्रेटेड ओके ड्यू टू माइक्रो माइक्रो भी यहाँ प्रीफिक्स है माइक्रो मिनी नेचुरलाइजेशन इन द नाइनटीन सेवेंटी द सर्कस व इ ऑन टू वेफर देन रिक्टेंगुलर पीस ऑफ सिलीकॉन द इंटीग्रेटेड सर्क्यूट इज नाउन एज चिप एंड इज यूज एज माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो भी प्रीफिक्स हैज़ बीन फॉरकासटिड मी फॉरफिक्स है बाई द एंड ऑफ दि डी गेड में डीप प्रीफिक्स है हमारे पास और एक्सेप्शनली फास्ट एंड स्माल कंप्यूटर वाली प्लेस इसमें भी डीपली प्रीफिक्स आ गया दोज इन जूस टूडे एंड कम्पलीट द डे ठीक है अब आप एक बार फिर इसको खुद से पढ़ें और भी आपको प्रीफिक्स मिलेंगे तो वो आप इनको अंडरलाइन करें नेक्स्ट फिफ्थ एक्सरसाइज है रिव्यूज सुफिक्स ये हमने जो लास्ट एक्चर सुफिक्स का पढ़ा था आई थिंक सो इसमें हमने सुफिक्स अंडरलाइन करना है रू द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन ओके कंप्यूटर कैन सॉल्व अफ प्रॉब्लम एंड मेक हंड्रेड एवन थाउजेंड्स ऑफ लॉजिकल डिसीजन विद बिगनिंग बिकमिंग बिकमिंग में आई एन जी हमारे पास सुफिक्स है आपको पता है बाद में आने वाला है टायर्ड में ई डी सुफिक्स है बोर्ड में भी ई डी सुफिक्स है इट कैन फाइंड द सोल्यून ऑफ प्रॉब्लम इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम दैन इट टेक्स अूमन बींग इसमें भी आई एन जी ओ सोफिक्स है टू डू द जॉब अ कंप्यूटर कैन रीप्लेस पीपल इसमें आर ही पता चल रहा है ना प्री फिक्स है आपके पास लेकिन प्रीफिक्स नहीं हमने सोफिक्स अंडरलाइन कर लें तो उसको हम इग्नोर करेंगे पीपल इन डर रोटीन में भी आर हमारे पास आर ओ ये आर ओ यू यहाँ पे हमारे पास भी प्रीफिक्स है टास्क बट इट हैज़ नो औरिजनेलिटी आर एल आई टी वाई सोफिक्स तो it was according ing suffix instruction i o n s suffix given to it and cannot exercise any valuable able Be my suffix suffix judgment may be ent suffix there are times when a computer seems to operate like a mechanical cl suffix but its achievements m e n t and suffix are limited by the minds of human beings a computer cannot do anything ing suffix Unless may less suffix a person tells it what to do and gives it appropriate AT suffix information, but as electric plus can move at the speed of light, a computer can carry out vast numbers of arithmetic logical operations almost instant uh, instantaneously or by suffix. A person can do everything a computer ING suffix can do, but in many cases that person would be dead long before the job was finished. बी इंग्स आई एन जी सुफिक्स है अ कंप्यूटर कैन नाट डू एनी थिंग आई एन जी अगेन सुफिक्स है और लेस बी सोफिक्स है रूट्स ऑफ वर्ड एंड हाउ सुफिक्स ठीक है आपने ये बताया हमने इसमें से सुफिक्स अंडरलाइन किए जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे आप बेटा इसको एक बार फिर से पढ़ें आपको और भी इसके अलावा सुफिक्स मिलेंगे मैंने तो क्योंकि उसको जनरली पढ़ा है और जो मुझे नज़र आया वो मैंने कर ली है अच्छा मैं आपको इसका ट्रांसलेशन एक एक लाइन की और डिटेल से इसलिए समझा नहीं रही क्योंकि हमारा वो फोकस नहीं है आपने प्रोफिक्स और सोफिक्स समझने हैं वो मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ आपको समझ आ रही है मुझे पता है इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही ठीक है एक एक लाइन उसकी ट्रांसलेशन एक एक वर्ड का मीनिंग तो वो टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा वेस्ट होगा तो हमें क्योंकि सोफिक्स प्रीफिक्स सीखते हैं वो हम सीख रहे हैं ठीक है आपको पता है सोफिक्स जो बाद वाले आते हैं कुछ मैंने अंडरलाइन किए कुछ आप खुद पढ़ के अंडरलाइन करें ऊपर वाले में हमने प्रीफिक्स ढूंढे ठीक है अब नीचे हमारे पास सिनोनम्स आ गए सिनोनम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और द नियरली द सेम मीनिंग आपको पता है सेम मीनिंग वाले होते हैं वो कहता है या तो सेम मीनिंग होता है या बहुत करीब करीब होता है उस, उसके मीनिंग के फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखें बिग लार्ज ह्यूज अनॉर्मस मोनोमेंटल गाइडेंटिक इमेंस एंड क्लोजर आज सिनोनिम्स ठीक है बिग का मतलब भी होता है बड़ा लार्ज का भी बड़ा मतलब होता है ह्यूज का भी मतलब बहुत बड़ा नॉर्मल्स का भी यही मतलब होता है मोलो मैंटल का भी बहुत बड़ा सा होता है इसका भी मतलब इमेंस का भी ज़्यादा सा बड़ा सा इन सब का मतलब एक ही है तक़रीबन लेकिन देखें वर्ड्स चेंज है तो आपको सिनोनियम ये सारे के सारे सिनोनेम्स आपस में सिनोनिम्स हैव टू करैक्टर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू यूज़ दैम अप्रोप्रिएटली सिनोनिम्स की दो खसूसियात होती हैं जिनको हमें समझना है उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए तो देखते हैं कौन से करैक्टरस्टिक होती हैं फर्स्ट करैक्टिस्टिक देखें सिनोनिम्स की मोस्ट सिनोनेम्स हैवे सिमिलर मीनिंग इन ओनली वन ऑफ देयर सेंस ज़्यादा से सिनो, जो बहुत से सिनोनेम्स होते हैं मतलब मोस्ट ज़्यादातर उनका एक जैसा मीनिंग होता है एक सेंस में जैसे अप्रोप्रिएट एंड एप्ट आर सिनोनिम्स वैन दे आर यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग फिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ अप्रोप्रिएट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक और एप्ट का भी यही मतलब होता है बिल्कुल ठीक दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग का दोनों है दोनों सिनोनिम्स हैं लेकिन स्पेलिंग का आप देख लेना डिफरेंट है तो इसका मतलब ये होता है फिट है मतलब कोई चीज़ फिट है ठीक हो अपनी जगह पर एकोरेट हो करेक्ट हो तो हम अप्रोप्रिएट या, या एप्ट यूज करते हैं दोनों लफ्स आपस में सिनोनिम्स हैं ही मेड एन अप्रोप्रिएट रिमार्क उसने एक अच्छा फिट यानी कि अच्छा रिमार्क दिया है ही मेड एन एप्ट रिमार्क उसने एक अच्छा रिमार्क दिया है दोनों का सेम मतलब है बेशक स्पेलिंग अलग अलग है तो इसका मतलब है ये दोनों सिनोनम्स हैं आपस में ठीक है ये एक प्रैक्टिसटिक होगी सिनोनम्स की यानी कि उनका मतलब बिल्कुल सेम होता है और आगे पहली प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट एंड एप्ट में भी यूज इंटरचेंजली टू मीन फिट मतलब दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं बट दे हैव टू अदर हैव अदर मीनिंग्स दैट दे डू नॉट शेयर फॉर इंस्टेंट एप मे लाइक ली बट इन अप्रोप्रिएट डज नॉट हैव दिस मीनिंग वो कह रहा है कि एक तो करेक्ट्रिस्टिक ये होगी कि इनका सेम मीनिंग है एप टू एप्रोप्रिएट का एक जगह पे दोनों यूज हो सकते हैं जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में किए और एक और बात है कि हम इसको अलग अलग भी जैसे ऐप्ट का मतलब होता है लाइकली यानी कि इससे जैसा और अप्रोप्रिएट का मतलब ये नहीं होता हम लाइकली की जगह पे भी ऐप्ट को यूज़ कर सकते हैं लाइकली जहाँ यूज़ कर रहे हैं वो एप यूज का ऐप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अप्रोप्रिएट हम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते एग्जाम्पल देखें वन ही इज़ नर्विस ही इज़ एप्टू लाफ जब वो नर्विस होता है यानी कि परेशान होता है उसके पास हंसने के लिए मतलब ऐप्ट एप्ट कहने लाइकली टू लाफ तो वो हंसने वाला होता है हंसने जैसा होता है हेयर अप्रोप्रिएट में नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद एप तो अगर हम अप्रोप्रिएट यूज़ करें वेन ही नर्वस ही इज़ अप्रोप्रिएट टू तो लाव तो वो हंसने के लिए बिल्कुल ठीक होता है नहीं ऐसी बात तो नहीं है मतलब एप्ट का मतलब होता है कि वो हंसने जाए ऐसे होते, लग रहा होता है वो हंस रहा है यानी कि वो हंसने की कोशिश करता है जब वो नर्वस होता है तो लाइकली के मीनिंग में एप्ट यहाँ यूज़ होगा लेकिन अप्रोप्रिएट जहाँ यूज़ नहीं होगा तो बच्चों पहली आपको करैक्टिस्टिकम्स की बताई गई कि उनका बाजुका तो उनका मीनिंग सेम होता है और एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं लेकिन बाजुक ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की जगह पर नहीं यूज हो सकते हैं मीनिंग उनका कुछ तो सेम मीनिंग होते हैं लेकिन उसके अलावा भी ढेर सारे मीनिंग होते हैं सिनोनिम्स के ऊपर तो हमने किया ना कि एक अलदा मीनिंग होता है या सेम मीनिंग होते हैं पहली खसूसियत में दूसरी में वो कह रहा है शेड ऑफ मीनिंग शेड ऑफ मीनिंग का मतलब होता है ढेर सारे मीनिंग होते हैं फॉर इंस्टेंस ब्लेम एंड आर सिनोनेम दैट रेफर टू द एक्ट ऑफ मेकिंग एन अनफेवरेबल जजमेंट ठीक है इसका मतलब है कि आपने गलत फैसला किया ब्लेम और डिनाउंस ये दोनों सिनोनेम्स हैं इनका मतलब यह है कि आपने गलत फैसला किया हाउ अगर टू ब्लेम इज टू फिक्स द रिस्पॉन्स आप ब्लेम करना यह भी होता है कि किसी पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एरर वेयर आज टू डि टू स्टेट इंटेंस डिसअप्रूवल इन पब्लिक अच्छा दोनों सिनोनम यूज़ करें एज अ सिनोनम इनको यूज करें तो इनका मतलब अनफेवरेबल जजमेंट बन गया ठीक है लेकिन अलहदा यूज करें ब्लेम का तो यह भी मतलब होता है इल्जाम लगाना भी होता है तो अब यह डिनाउंस का मतलब अगर अलीहदा उसका यह भी मतलब होगा डिनाउंस का स्टेट इंटेंस डिसअप्रूवल इन पब्लिक कि कोई चीज आपकी पब्लिक में यानी कि डिसप्रूव हो गया नाकबले मंजूर हो गया है यह भी मतलब होगा डिनाउंस का मतलब बाउंस बैक आपकी तरफ आई है आपकी गैर मंजूर होगी कोई चीज़ अच्छा इफ़ यू रिसीव अ लेटर इन योर लेटर बॉक्स दैट शुड हैव बीन डिलेवर टू अ नेबरहुड जो, नेबर जो मे ब्लेम पोस्टमैन अगर आपने अपना लेटर बॉक्स में एक खत डाला है तो आपको वो आपको आपका खत मिलना चाहिए था ना लेकिन वो आपको उसने आपके हमसायों को कर दिया यानी कि डिलीवर कर दिया हमसायों को दे दिया तो आप पोस्टमैन को ब्लेम करेंगे डेफ़िनेटली आप उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे ना कि उसका कसूर है कि आपका खत था उसने हमसायों को दे दिया बट यू आर नॉट लाइकली टू पब्ली पब्लिकली डिनाउंस द पोस्टल एम्प्लॉ फॉर ईच सच अ ट्रैवल मिस्टेक लेकिन आप उसको डिनाउंस नहीं करेंगे उसको ब्लेम कर सकते हैं डिनाउंस नहीं कर सकते पोस्टल एम्प्लॉय को मतलब यह है कि बाजूक ये दोनों चीनोन में यूज होते हैं और बाजूक बिल्कुल अलहदा मतलब में ये दोनों लफज यूज़ हो रहे हैं ये बात आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है यहाँ ऑन द अदर हैंड इफ इलेक्टेड ऑफिशियल आर फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग टैक्स पेयर्स मनी अगर एक बंदा है जो टैक्स पे यानी कि टैक्स पेयर मनी को स्टील कर रहा है एक ऑफिसर है वो अलेक्ट हुआ है और वो क्या कर रहा है लोगों का जो टैक्स है ना वो चुरा लेता है दे आर डिनाउंस तो उसको क्या किया जाएगा पब्लिक डिसअप्रूव करेगी यानी कि लोग उसको डिनाउंस करेंगे उसको ब्लेम नहीं करेंगे डिनाउंस करेंगे यहाँ पे दे आर सेवरली क्रिटिसाइज इन पब्लिक एंड इन स्वेयरली क्रिटिसाइज इन पब्लिक एंड इन सम केसेस थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस उसको लोग डिनाउंस करेंगे यानी कि स्वेयरली क्रिटिसाइज़ करेंगे शिद्दत से उस पर तंज करेंगे तो ये भी हो सकता है कि उसको उसके ऑफिस से थ्रो आउट कर जाए यानी कि डिसमिस कर दिया जाए, जाए उसके ऑफिस से निकाल दिया जाए लेकिन उसको सिर्फ ब्लेम नहीं किया जाएगा डिनाउंस किया जाएगा समझ रही है ना बात अगर पोस्टमैन ने गलत लेटर पोस्ट कर दिया है तो इस, इस बात पर उसको डिनाउंस यानी कि उसको उसकी ड्यूटी से निकाल देना या उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाली बात है उसको ब्लेम कर सकते हैं कि भाई तुमने गलत किया उससे गलती हो गई लेकिन अगर कोई टैक्स इकट्ठा कर रहा है ऑफिसर लोगों का टैक्स इकट्ठा करके उसको चुरा रहा है खुद से तो उस पर ज़्यादा लाइबिलिटी

वो कह रहा है कि यहाँ पे डिनाउंस हम यूज़ करेंगे कि ऑफिसर जो है लोगों का टैक्स चुरा कर लेके जाता है तो हम उसको डिनाउंस करेंगे उसको ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि ब्लेम का तो सिर्फ मतलब होता है ना उस पर इल्ज़ाम लग रहा है यह सिर्फ वो इस चीज़ का है लेकिन यहाँ पे सवेयर कंडीशन है तो यहाँ पे हम डिनाउंस यूज़ करेंगे ब्लेम यूज़ नहीं करेंगे ठीक है मुश्किल है थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन कोशिश की समझाने की होप सब कुछ समझ आया होगा लेकिन मेन बात इसमें बच्चों सिर्फ यही है कि आपने ये करना है कि बाजूकत एक दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं सिनोनिम्स और बात तो उनका इतना ज्यादा डिफरेंट कॉन्टेक्ट होता है कि वो एक दूसरे की जगह पर यूज़ नहीं हो सकते ये दो खूबियाँ हैं सिनोनम की दो खसूसियात हैं दो करेक्टिटी हैं ठीक है फाइनल मास्टरी सेलेक्ट वर्ड मीनिंग इन इन्हीं द फॉलोइंग ग्रुप्स एंड सर्कल द वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड इन बोल्ड फेज टाइप इन द इंट्रोडक्टिव फेज कह रहे हैं कि आपने सिनोनिम्स इसमें तलाश करने हैं एडमोनिश द चाइल्ड आपने इसका सिनोनिम्स बताना है कि ड्रेस है टीच टीच है प्रेज है वार्न है तो एडमोनिश वैसे तो हदायात करना यानी कि किसी बच्चे को समझाना उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने के माने में यूज़ होता है मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा सख्त सेंस में जिसको हम कहते हैं ना अच्छा ड्रेस आप उसको डांटते हैं टी सॉरी ड्रेस आप उसको कपड़े पहनाते हैं उसको पढ़ाते हैं उसकी तारीफ करते हैं या वॉर्न करते हैं उसको तो एडमोनिश एड़ का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा वॉर्न ठीक है वैसे तो चाहिए ये कि आप डिक्शनरी में लिखें उसको सिनोनम्स तलाश करें तो आपको सिनोनम्स वार्न मिलेगा ठीक है डिक्शनरी में सर्च करके आपने ख़ुद से अभी को करना है लेकिन मैं भी आपको करवा देती हूँ एम सी क्यूज ओके मतलब है है e का का क्या मतलब डिस्कवर वैसे e उर्दू में मतलब है खत्म करना किसी चीज को ना महव करना मिटा देना अच्छा डिस्कवर करना उसको ईजाद करना नहीं वाइप आउट वाइप आउट खत्म करना ठीक है हाइट छुपाना अपोलो जैसफाइट माफी मांगना तो ये नहीं है और इसका असल मतलब है वाइप आउट ई फेस महव कर देना किसी चीज को खत्म कर देना वाइप आउट कर देना ओके okay. फेवरेट पैरानियल का मतलब होता है जो गुजर चुका हो पुराना हो ओल्ड फैशन पुराने फैशन वाला रिसेंट मतलब हाल वाला टम्परेरी टम्परेरी कहते हैं आर्जी को इन्ड्योरिंग यानी कि जो आपको एन्ज्योर कर रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओल्ड फैशन डेफिनेटली पेनारियल ओल्ड फैशन जो गुजर चुका है पुराना हो गया है सब सब्जुकेट sub, uh, का मतलब द एनीमी सब्जुकेट द एनीमी अपने दुश्मन को सब्जुकेट करना टॉर्चर करना रिलीज करना किल करना डिफीट करना डेफिनेटली दिस इज डिफीट ठीक है फिफ्टी सिक्स पता नहीं गलत लिखा हुआ यहाँ पे डिफीट सब्जुकेट का सिनोनम्स डिफीट होगा डेजोल्यूट बिहेवियर वैसे इसका उर्दू में मतलब होता तो है मकलूब करना अपने दुश्मन को तो कत्ल करना या छोड़ देना या तंग करना तो नहीं डिफीट करना नहीं किस देना मकलूब करना होगा ओके अच्छा डेजोल्यूट बिहेवियर अनसक्सेसफुल स्टाइलिश इमोरल modest, डेजोलूट बिहेवियर डेजोल्यूट कहते हैं वैसे अवाराबाश को लुच्चे लफंगे नहीं होते उनको कहते हैं डेजोलूट यानी कि इन वाला बिहेवियर कौन सा होगा अनसक्सेसफुल नाकाम स्टाइलिश अच्छा modest मतलब ठीक और इमोरल इमोरल होता है गैर इखलाकी तो डेफिनेटली जो फंगे लफंगे होते हैं उनका जो डेजोलिट बिहेवियर होता है वो immoral ही होता है इमोरल ही होगा गैर इखलाकी ओके जी अर एच अवर एफर्ट्स एग्जामिन जीओ रेड का सीनो नाम होगा एग्जामिन रिजेक्ट रेडिकल तो डेफिनेटली जियर ओ का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना उस पर तंज करना आप कह लें कि मजहका खेज अंदाज में आप उस पर हंस रहे हो मतलब उसको तंग करने के लिए एग्जामिन भी नहीं होगा रिजेक्ट भी नहीं क्रिटिसाइज होता है तंज करना रेड लेकिन जो ज़्यादा गरीब है वो ये रेडी कलर ठीक है रेडिकुल, कि आप उसको मजहका हेज़ अंदाज़ में आप उस पर तंज कर रहे हैं उसको आ, मतलब टीस भी कर रहे हैं लेकिन उसका मजाक उड़ाने के सेंस में ओके जी ए का मतलब होगा रेडी कुल्स ओके नेक्स्ट देखते अफियम एडहेरेंट अफियम एडहेरेंट का क्या मतलब है एडहेरेंट का मतलब होता है किसी के साथ चिपका हुआ यानी कि उसके साथ वाला एनिम दुश्मन आउटसाइड बैल्स हाँ स्पोर्टर यानी कि स्पोर्टर उसको साथ वाला सपोर्ट करने वाला एडहेरेंट का जिन्होंने मगर स्पोर्टर ठीक है स्टूडेंट तो हो गई नहीं सैम्बलेंस ऑफ ऑर्डर सेम्बलेंस का मतलब होता है मुशावत रखना अपेरेंस लैक रिजल्ट अपोजिट तो डेफिनेटली अपेरेंस ही होगा जाहिर मुशावत इससे मतलब होता है मिलता जुलता ठीक है अपेरेंस ए रेट गेस्ट ए रेड गेस्ट सोशल सोशबल वेलकम टाकेटिव एंगी इ का मतलब होता है तंग करने वाला आपको जो गुस्सा दे रहा है तो ये एंग्री होगा ठीक है एंग्री यानी कि धक्के से कोई मेहमान आ जाए उसको कहेंगे इरेट गेस्ट एंग्री आपको जिस गेस्ट पैम पे गुस्सा है एंग्री इसका सिनोनेम्स होगा ओके अ ब्रीफ ब्रीफ अल्ट्रकेशन का यहाँ होगा शॉवर आर्गूमेंट लीव स्टेटमेंट अल्ट्रकेशन का मतलब होता है बहस मुबैसा करना तो आर्गूमेंट का भी मतलब होता है दलाइल देना बहस करके ठीक है तो इसका सिनोनिम्स आर्गूमेंट बनेगा एन इंटरपिट कैंप इंटरपिट का मतलब टायरलेस इंटरपिट का मतलब होता है दलेर ठीक है मतलब जो दलेर होता है बहादुर होता है टायरलेस थकावट के बगैर स्ट्रॉन्ग फेयरलेस स्किल तो डेफिनेटली यहाँ स्ट्रोंग ही आएगा ना इंटरपिट का मतलब जो मजबूत होगा बहादुर होगा स्ट्रोंग होगा रिवाइल द ड्राइवर रिवाइल का मतलब एडोर ट्रेन पे अब्यूज हाँ रिवाइल का मतलब होता है गालियाँ देना तो अब्यूज का भी डेफिनेट मतलब है गालियाँ देना ठीक है तो इसका सिनोनिम्स होगा अब्यूज ओके मेड आर टाइट रिमार्क टाइट कहते हैं वो सीधा को पुराने को जो पुराना हो जाए ठीक है स्टेल इसका मतलब भी पुराना होता है वो सीधा वटी खुशबाश औरिजिनल का मतलब होता है ना एक्चुअल असली वाला इन बैड टेस्ट बुरा टेस्ट वाला नहीं तो इसका टाइट का मतलब होगा स्टेल टाइट का मतलब भी पुराना होता है वो सीधा तो स्टेल का भी करीब करीब यही मतलब है ओके okay? इसका ये सिनोनिम बनेगा रेक्टीफाई किस चीज़ को रेक्टिफाई करना एक्सप्लेन मेक कॉरेक्ट कन्फर्म तो रेक्टिफाइ का डेफिनेट मतलब होगा कन्फर्म किस चीज़ को कन्फर्म करना इसका ये सिनोनिम बनेगा ठीक है डॉन्टिड बाय देर ट्रीट्स डॉटिड एनकरेज रेडिकुलस डिस्ट्रॉयड इंटीमीडिएट तो डॉन्टिड का वैसे उर्दू में मतलब होता है किसी को डांटना दिल करना उसको एनकरेज हौसला अफजाई करना नहीं रेडिकुल मजाक उड़ाना डिस्ट्रॉय तबाह करना नहीं इसका होगा इंटीमिडिएट इंटीमीडिएट का भी ये मतलब होता है किसी को डराना uh, धमकाना बदल करना डांटना ठीक है अ चाइल्ड्स पैटल बच्चे की प्रैटल प्रैटल कहते हैं वैसे बक बक को बकबक बक, बक जो हम कहते हैं उर्दू में बकवास करना बक बक करना क्लाथिंग उसके कपड़े आउट प्ले तो टॉक यहाँ है ज्यादा के बोलना यानी कि बच्चे के बातें उसका बोलना उसकी टॉक प्रैटल मीन्स टॉक बेहयाको बेइजत जो होता है ओके शेमलेस एक्सेप्टेबल तो डेफिनेटली इट विलसर एक्सोडस कहते हैं जो एक्जिट होता है एग्जिट प्लान होता है ना किसी भी जगह का यहाँ निकलने की जो जगह होती है लोगों की एंट्रेस नहीं डिस्कशन डिपार्चर डिपार्चर का भी ये मतलब होता है रुख्सत होना निकलना जाना ठीक है बैटल तो ऐसे ही नहीं होगा डिपार्चर एक्सोडिसके इम्प्रोवेरिस्ट नेबर इम्प्रोवेरिस्ट नेबर इम्प्रोवेरिस्ट कहते हैं गरीब मुहताज को ठीक है लर्न पुअर beloved, unfriendly तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा यहाँ इसका पुअर होगा impoverished impro, मीन्स पोअर ये इसका सिनोनम है अ ल्यूसिड एक्सपेन्नीशन ल्यूसड का मतलब होता है क्लियर वाजे जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको कहते हैं ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन। तो इट विल बी क्लियर इट विल बी सिनोनम्स ओके अन एडूक्यट ना काफी लर्न सिक यू फोलिफ बेवकूफ़ाना तो ये नहीं होगा इसका होगा ल्यूसिड का क्लियर ओके okay, वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए डिक्शनरी से लेकिन मैंने आपको करवा दी है अब आप एक बार फिर खुद से इसको डिक्शनरी में लिखें आपको एक से ज्यादा सिनोन मिलेंगे उसमें से एक ये वाला जो आपके एमसीक्यूज में वो ज्यादा करीब होगा ठीक है बच्चों अब होना तो तभी आपको क्लियर जब आप खुद इस पर प्रैक्टिस करेंगे ओके डू प्रैक्टिस इट बेस्ट ऑफ लक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज